गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है साहिल, आप देख रहे हैं बीवी स्टार खबरें जिसमें आपका फायदा। जी हाँ, खबरें जिसमें आपका फायदा। तो चलिए देखते हैं आज की पहली खबर क्या आ रही है। जो पहली खबर आ रही है, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कि सरकारी हॉस्पिटल है, इसके अंदर करीबन 418 वैकेंसियां निकली है। जी हाँ, उन वैकेंसियों के नाम मैं आपको बता देता हूँ, जिसके अंदर है असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और जो है स्टाफ नर्स और अन्य कुछ तरह की जो है वैकेंसियां निकली हैं। जिसके और साथ ही साथ एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर इसमें हम क्वालिफिकेशन की बात करें, जिसके अंदर जो है एमएलटी डिप्लोमा, आप ग्रेजुएट हो या बी फार्मेसी या साइंस में डिग्री, इस तरह के कुछ जो है आपके पास डिग्रीज वगैरह होनी चाहिए जो कि क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। साथ ही साथ उम्र सीमा 50 से 66 साल के बीच। और साथ ही साथ मैं बता दूं आपको, इन पदों को जो है कैटेगराइज किया गया है कि किस वैकेंसी के अंदर कितनी वैकेंसीज जो है मतलब खाली है। तो उसके अंदर जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो 51, एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो 14, प्रोफेसर की बात करें तो 11, मेडिकल ऑफिसर की बात करें तो 8, नर्सिंग अधिकारी की बात करें या स्टाफ नर्स की बात करें 2019, और टेक्नीशियन ग्रेड की 02, और टेक्नीशियन ग्रेड में जो है 98, और डाइटिशियन के अंदर 2, और फार्मास्यूटिक के अंदर जो है 4, और है फिजियोथेरेपिस्ट के अंदर है 3। जी हाँ, ऑफिस सुपरिटेंडेंट के अंदर 01, सोशल वर्कर 1, LDC 1। जी हाँ, तो कुछ इस तरह की जो वैकेंसी जो मैंने आपको बताई है। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, 7 मई से जो है इसकी एप्लीकेशन जिसके लिए आपको अप्लाई करना था वो शुरू हो चुकी है, और 22 मई तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका बिल्कुल आसान है, जिसके अंदर जो है आपको जो है वेबसाइट पर जाना है, वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है उस पर वो जो है आपको जो एग्जैक्ट जो वेबसाइट लिखी हुई है आपको वो जो है इंटरनेट पर डालना है ब्राउजर पर, तो आप जो है डायरेक्ट उस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे जहां पर आप इसको अप्लाई करेंगे। जी हाँ, तो RGSS रिक्रूटमेंट 2020 राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसके अंदर मैंने आपको पूरी डिटेल्स जो है इसकी बताई है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी, तो जल्द से जल्द इसे अप्लाई करें और इसका पूरा फायदा उठाएं। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं अगली खबर क्या आ रही है। जो अगली खबर आ रही है मनरेगा। जी हाँ, मनरेगा जिसके अंदर करीबन 40,000 करोड़ का जो प्रोविजन प्रावधान और ऐड किया गया है, पहले ये 60,000 करोड़ था लेकिन अभी 40,000 करोड़ और ऐड कर दिया गया है। इसका बेनिफिट क्या है कि जो हमारे मजदूर भाई हैं जो अपने वापस अपने घर जा रहे हैं, तो वहाँ काम काज के लिए उनको जो है उनको काम चाहिए, तो उनको काम के लिए जो है इस तरह का प्रोविजन तैयार किया गया है जिससे जो है उनको वहाँ पर काम मिल सके, उन्हें जो जो भी उनका स्किल है उस हिसाब से वो उनको यूज कर सके वहाँ पर। तो इस तरह का जो है प्रावधान तैयार किया गया है मनरेगा स्कीम के अंतर्गत। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं अगली खबर क्या आ रही है। जो अगली खबर आ रही है लॉकडाउन 4 यानी कि जो आज से शुरू हो चुका है, इसमें कुछ 5 चीजों पर जो है फोकस किया गया है। जी हाँ, जिसमें सबसे पहले जो रेड जोन में है उनकी उसमें जो है सैलून्स, जो नाई की शॉप्स हैं और टैक्सी है वो चलेगी। साथ ही साथ अगर बात करें आपसी सहमति से जो है राज्य बस सर्विस चला सकते हैं, और साथ ही साथ बात करें तो जो राज्य है रेड जोन हो, ऑरेंज जोन हो, ग्रीन जोन, वो अपने तरफ अपनी तरीके से जो है डिसाइड कर सकते हैं। जी हाँ, और साथ ही साथ मैं बता दूं खेल परिसर हो या स्टेडियम्स वगैरह हो वो खुले रहेंगे। जी हाँ, और एक चीज मैं आपको और बता दूं, ई कॉमर्स में भी आपको छूट मिलेगी। जी हाँ, अगली खबर ई कॉमर्स की ही है, तो चलिए देखते हैं अगली खबर जिसके अंदर जो ई कॉमर्स के बारे में काफी डिटेल में बताया गया है। इसमें सबसे पहले मैं बता दूं अमेजोन और फ्लिपकार्ट, इन दोनों को जो है कुछ प्रोडक्ट्स पर रोक लगाई गई थी कि जो प्रोडक्ट्स वो यूज मतलब कि सेल नहीं कर सकते थे इस लॉकडाउन में, लेकिन अब जो लॉकडाउन लगा है इसके अंदर वो बेच सकते हैं। जिसके अंदर हम बात करें टीवी, फ्रिज, कूलर, इस तरह के बड़े प्रोडक्ट्स जिनको बेचा नहीं जा सकता था, लेकिन अब उनकी ऑनलाइन बुकिंग हो रही है, आप उसकी बुकिंग कर सकते हैं। जी हाँ, वो ऑरेंज जोन हो या ग्रीन जोन हो या रेड जोन हो, तो ये सारी चीजें इसलिए की गई हैं ताकि जिन लोगों को इस समर के सीजन में इस तरह के प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने हैं तो वो कर पाएंगे। जी हाँ, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।